परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम ये सुबह आकर परमेश्वर की बातों में थोड़ा मनन कर पाए। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब से 6वें अध्याय तक समझने के लिए उसमें से प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है उसी बात को हम मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आज हम उसका 7वें अध्याय में जाएं। 7वें अध्याय में हम देख सकता है कि मिराकल्स एंड प्लेग बिफोर फरो के सामने परमेश्वर ने किया हुआ चमत्कार को और बाधाओं को हम देख सकता है। कैसी बाधाएं, 10 बाधाएं उसी के सामने दिया हुआ है। और हम देख सकता है कि परमेश्वर बोलता है कि आई एम गॉड अलोन, मैं अकेले ही है परमेश्वर, और कोई परमेश्वर है नहीं है। वो उनको समझाने के लिए वो काम किया है। उसका 1 से लेकर 7वीं पद तक हम देख सकता है कि गॉड एक्सप्लेन द प्लान टू मोसेस अगेन, परमेश्वर ने क्या करने जा रहा है उसी बातों को मूसा को विवरण कर रहा है। उसके बाद 8वें पद से लेकर 25 पद तक, आखिरी पद तक हम देख सकता है कि मोसेस एंड आरोन बिफोर फरो के सामने मूसा और आरोन उसी के सामने है, ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक दूसरे भाषाओं में हम बोलेंगे तो लेसन्स फ्रॉम मोसेस फॉर कन्फ्रंटिंग ईविल, दुष्टता के साथ कैसे सामने करना है उसी से मूसा से हम कोई सीख हमको मिल सकता है, उसी के बारे में इधर लिखा हुआ है। इधर हम देख सकते हैं कि 7वें अध्याय में ये मूसा और आरोन ने कैसी फरो की मजिशियन के ऊपर जय प्राप्त किया है, उसी को कैसे पराजित किया है, इसी बात को हम इधर देख सकता है। फरो ने मूसा के बातों को ना माना है, उसी को उसने अनुमति नहीं किया है। जब परमेश्वर ने इनका जीवन में 10 बाधाओं के द्वारा उसको दंडित किया है, उसी को पनिशमेंट किया है, ये बात को हम देख सकता है। ये 10 बाधाएं ये बताता है कि एक चेतावनी के रूप में पापी लोगों को रिपेंट करने के लिए, मन फिराने के लिए एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर इस बात को दिया हुआ है। परमेश्वर से बाहर, प्रभु यीशु मसीह के बाहर रहने वाला लोगों के ऊपर, वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करता है, ऐसी लोगों के ऊपर आने वाला दंड को भी ये दर्शाता है। और ये 10 बाधाएं ये दर्शाता है कि आखिरी टाइम में परमेश्वर ने बिना मन फिराने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर ने दंड भेजेगा, उसी का एक तस्वीर है। मसीही विरोधी दब जिस दुनिया में शासन करेगा उसी टाइम ये इससे भी यह ऐसी बाधा इससे भी बढ़कर बहुत बहुत जोर से आ रहा है, उसी को हम देख सकता है। ये उसी में 7 बातें इस अध्याय से हम देख सकता है। फरौन से मूसा ने बोला है कि मेरा जन को, परमेश्वर का जन को छोड़ दो। इससे हम देख सकता है कि जब परमेश्वर ने अपना लोगों को इस दुष्टता से बचा के रखता है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसको बचा लेंगे, ये बात को इधर हम देख सकता है। दूसरा हम देख सकता है कि मूसा का इसी उदाहरण से, दृष्टांत से परमेश्वर ने ये बात को बताता है कि हम दुनिया की दुष्टता के विरुद्ध में बहुत बहुत जोर से, बहुत शक्ति से हमको बात करना है।
हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भय मानना है, बाकी इस दुनिया में कुछ भी हो उसी के ऊपर भय मानने का जरूर नहीं है। जब हम दुष्टता के सामने हम करता है, हम दुष्टता को हमको घृणा करना है, ये बात भी इधर देख सकता है। और तीसरा पॉइंट हम देख सकता है कि परमेश्वर ने ऐसी मूसा से बोला है, फरो का हृदय को वो और कठोर बनाएगा, कठिन बनाएगा। ये हम दृष्टि से हम देख सकता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले को परमेश्वर उसी का सर्वाधिकारी है। पूरा दुष्टता के ऊपर भी परमाधिकार रखने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। और 14 में हम देख सकता है कि मूसा और आरोन उसका बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु का सेवा के लिए कर रहा है। इसी से हम ये समझ सकता है कि परमेश्वर का सेवा करने से हम कभी भी रुक नहीं सकता है, कोई रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। हम हमेशा हमारा बुजुर्ग अवस्था में भी परमेश्वर के लिए हमको सेवा करना है। और पांचवें पॉइंट हम ये सीख सकता है कि फरों का वो मंत्रवादी लोगों को, मजीशन लोगों को बहुत पावर शैतान के ऊपर से मिल गया है। वो मूसा ने कैसी उसी की लकड़ी को सांप में बदल दिया है, उसने भी वो सांप को बदल दिया है। ये शैतान को भी दूसरों को डिसीव करने के लिए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके पास भी शक्ति है। परंतु एक बात हम देख सकता है कि परमेश्वर की ने मूसा को वो लकड़ी को सांप बना दिया है, वो सांप दूसरे को मजिशन लोगों का सांप को खा लिया है। उसका मतलब परमेश्वर के पास बहुत बड़ा शक्ति है, उन लोगों के पास इतना शक्ति है नहीं है। उसके बाद छठवें पॉइंट में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने नील नदी का पानी को खून में बदल दिया है, ये पगला बाधा हम देख सकता है। इसी से हम देख सकता है कि परमेश्वर ने पापी लोगों को और उसी का गलतियों को रिपेंट करने के लिए, उसका मन फिराने के लिए उसने माना नहीं है। हम अपने हाथों में कभी भी परमेश्वर का काम ना लेना है, सब कुछ परमेश्वर करने वाला है। आखिरी में हम देख सकता है कि वो नील नदी में फरो ने परमेश्वर की पनिशमेंट को, परमेश्वर की दंड को उसने रिफ्यूज़ किया है। इसी से हम ये देख सकता है कि परमेश्वर ने फरो को हृदय को इसलिए कठिन किया है कि परमेश्वर का पनिशमेंट को, परमेश्वर का दंड को वो सामने कर पाए। अभी तक मन फिराया नहीं है, ऐसे लोगों का आंख, आत्मिक आंख बंद है, उसी बात को भी हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की ये बातों को, परमेश्वर को सर्वाधिकार को, परमेश्वर की काम कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, ये बात को इसी अध्याय से हम देख सकता है। परमेश्वर चाहे तो आने वाला दिनों में हम इसी के अध्याय का एक एक वाक्य के ऊपर हम मनन करेंगे, परमेश्वर का परमाधिकार, परमेश्वर कैसे इसी अध्याय से क्या हमने को शिक्षा दिया है, लेसन दिया है, उसी के ऊपर हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।